हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से लहंगे की, ब्राइडल लहंगे की कमर और लंबाई कम कर सकते हैं। अगर आप लहंगा परचेस करते हैं, उसको जब भी परचेस करते हैं तो उसमें जो होती है कमर उसकी तो ज़्यादा ही होती है, तो आप कैसे आप अपनी फ़िटिंग की कर सकते हैं वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी कमर मेजरमेंट करनी है। मेरी 30 है तो 30 के हिसाब से हो जाएगी 15। तो 15 पे देखिए कितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है यहाँ पे। तो देखिए मुझे इतना कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो करना क्या, सबसे पहले आपको ये वाली जो पट्टी है ऊपर की, जो बेल्ट बनी हुई है उसको निकाल लेनी है, और फिर ये जो कली है सबको अंदर दबा करके दबा देनी है। तो मैं सबसे पहले इसको खोल लेती हूँ, इस पट्टी को निकाल लेना है, इसका जो ये नेफा बना हुआ है। और ये जो सिलाई आती है बिल्कुल कच्ची सिलाई होती है, तो आप इजी तरीके से इसको खोल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको, इसका जो ऊपर का जो लगा हुआ था नारा वाला, उसको मैंने हटा दिया, इस तरीके से खोल लिया है। और ये वाला अब ये अलग हो गया है। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ से इस तरीके से हर कली को आपको 2-2 इंच तक दबा लेना है, जितना भी आपकी फिटिंग में आए उस हिसाब से आपको कली को दबा लेना है। और ये चीज़, ये जो है इसको आप जो कली दबानी है वो आप 10, 11 या 12 जितना जितनी आप फिटिंग तक चाहते हैं उतने तक कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये इंची टेप इस तरीके से रख करके और यहाँ से 2 इंच दबा लीजिएगा। और अगर फिर भी आपकी कम लग रही है, आपको लग रहा है अभी भी ये लूज है, तो आप और बढ़ा करके अपनी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। और ये जो जैसे मैंने 2 इंच का निशान लगाया, तो इसको यहाँ तक आपको इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से निशान पूरा लगा लेना है, 11-12 तक लंबाई में ऐसे आपको सिलाई रख लेनी है। जैसे ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया इस तरीके से। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। और ऐसे ही सभी कली में ऐसे ही करना है, जितने भी हैं सारी कली ऐसे कर लेंगे। तो मैं आपको ये कली में दिखा देती हूँ रख करके सिलाई। तो देखिए मैंने सिलाई रख दी है, तो देखिए कली पहले दूर दूर थी तो अभी पास पास भी आ गई है थोड़ी। और मैंने ये 2-2 इंच तक रखी है सिलाई, तो अभी ये मेरी बिल्कुल कमर फिटिंग की हो जाएगी। और अब जो अंदर का अस्तर लगा हुआ था उसको, ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको पहले मैं कट करूँगी, ये वाला जो कपड़ा है। जहाँ से ये है वहाँ से इसको कट कर देना है। और ये इसकी हल्की सी लंबाई भी ज़्यादा है, लंबाई कम करने के लिए भी इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे 2 इंच हटा करके। जैसे इस तरीके से मैंने इसको रखा है पूरा। और यहाँ से जहाँ से ये इसके पैचेस लगे हुए हैं वहाँ से हमको कट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया है, तो लंबाई भी इसकी 2 इंच तक कम हो जाएगी। ज़्यादा वैसे भी लहंगे की लंबाई कम नहीं करते हैं, लहंगा लंबा ही सही रहता है, बट मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। और इस तरीके से जो इसका बैक वाला अस्तर था उसको भी इसी के साथ में कट कर दिया था। और अब जो ये अस्तर है उसके तो उसकी कमर भी ज़्यादा थी, तो इसमें तो कली वगैरह तो है नहीं, तो इसमें इस तरीके से प्लेट्स डाल के इसमें सिल देनी है, ऐसे करके इसके साथ में इसको अटैच कर देंगे। तो दूर दूर से इसमें बस प्लेट्स डाल देनी है और कुछ नहीं करना है। और ये वाला देखिए, ये जो पट्टी निकाली थी मैंने, इसको करना क्या, इसको सही से मैंने कट कर लिया है। और इसको जो कपड़ा है उसके ऊपर लेंगे अस्तर में, इसको जॉइंट करेंगे। जो अस्तर से मैंने कट किया था वहीं से, जहाँ से आपने कट किया है वहीं से इसको जॉइंट कर देना है।
देखिए जैसे ये वाला अस्तर वाला है, इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अस्तर वाले को अस्तर के साथ में सिलेंगे और उसको जो ऊपर जो लैस है उसको ऊपर वाले के साथ में सिलेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं जिप लगाऊंगी, तो जिप के लिए मैं यहाँ पे ये सही से कर दूँ, साइड में जिप लगानी होगी इस तरीके से पहले। तो देखिए आपको जिप लेनी है इस तरीके से और यहाँ पे कट लगा देंगे अस्तर का कपड़ा जो ये है, यहाँ से जिप लगानी है तो यहाँ से कट लगा देंगे जिससे पता चल जाएगा यहाँ से जिप लगानी है। जिप लगाने के बाद में ऊपर का वो लगाएंगे, पहले मैं जिप लगा दूँ और यहाँ पे कट कर देंगे, कट करके इस पर, और फिर जो है यहाँ का कपड़ा जो अंदर का है, अंदर दबा हुआ है इसके अस्तर के साथ में सिला हुआ है, उसको खोल लेंगे। इस तरीके से ये वाला कपड़ा ऐसे ओपन कर लेंगे, इसको अस्तर और इसको अस्तर और जो वेलवेट वाला ऊपर का कपड़ा है उस दोनों को अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। ये और ऐसे ये वाले पार्ट में भी अलग अलग कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे, पहले इस साइड का भी मैं कर लूँ। ये देखिए इस तरीके से ओपन कर लिया। अब देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना है सही से कपड़े को, और जो अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे, जो अस्तर से एक्स्ट्रा निकला हुआ है कपड़ा, और बराबर में दोनों को कट कर लेंगे। ये देखिए ये वाला इतना एक्स्ट्रा है, इसको हटा देंगे। ये देखिए कट हो गया है बराबर में, और यहाँ पर अब इसमें सिलाई रख देंगे जिससे ये कपड़ा अस्तर हटे नहीं इधर उधर। तो मैं यहाँ पे सिलाई रख के दिखाती हूँ आपको, सिलाई रख दूँगी उसके बाद मैं यहाँ पे जिप अटैच करूँगी। तो देखिए मैंने सिलाई रख करके यहाँ पे ऐसे रख दिए, और अब इसके ऊपर इस तरीके से मैं जिप अटैच कर दूँगी। यहाँ पर ऐसे रखना है जिप को, और इस पर मशीन चला देनी है यहाँ से साइड से। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लग गई है। अब इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और इसके जस्ट बिल्कुल पास से सिलाई रखेंगे। अब सही से पास से सिलाई रखेंगे जिससे बिल्कुल जिप का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी ना दिखे, सिर्फ जिप ही दिखे, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छे से आ जाए इसीलिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है, और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी कर दूंगी मैं। ये देखिए बंद करके देख रहे हैं तो बिल्कुल फिनिशिंग से आ गया है, और इस साइड में भी ऐसे कर देंगे। ये देखिए सही से लग गई है जिप, और अब जो है इस तरीके से लेना है यहाँ से जिप के थोड़े ऊपर से, यहाँ से इस तरीके से पूरा नीचे तक आपको सिलाई रख देनी है, जिससे लहंगे के दोनों पार्ट्स अटैच हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई रख के आपको दिखा देती हूँ। जहाँ से जिप लगी है उसके एक इंच ऊपर से सिलाई रखनी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ से सिलाई रख दी है इसमें,
ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में अटैच हो गया है पूरा। और अब जो है यहाँ पे इसका जो ये नेफा होता है, जो बेल्ट होती है, वो मैं लगाऊंगी। तो वो देखिए मैं कैसे लगाती हूँ। ये देखिए, ये जो कपड़ा है इसके जो अंदर की जो पट्टी है, इस तरीके से जो अस्तर है उसको इसके ऊपर ऐसे रखना है और ऐसे पूरा सिलाई कर देनी है सबसे पहले। तो इसको सिल लेते हैं, सिल करके आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पूरा गोलाई में सिल लिया है, इस तरीके से जो पूरी पट्टी थी उसको सिल ली है। और इस तरीके से यहाँ पे जिप को बंद कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा जो पार्ट बचा हुआ है उसको अंदर ऐसे अंदर को इसको दबा देंगे ऐसे, और फिर इसको पलट कर इसके ऊपर भी सिलाई रख देंगे इस तरीके से, ऐसे पूरा गोलाई में सिलाई रख देंगे। तो मैं भी सिलाई रख कर के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सिलाई रख दी है, बिल्कुल सही से बन गया है ये। और ये जो जिप है ऊपर तक इस तरीके से आ जाएगी, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको छोटा सा काज बना लेना है और जिसमें आपको नारा डालना होगा। तो मैं यहाँ पे काज छोटा सा बना देती हूँ। ये छोटा सा मैंने कट लगा दिया है, इसमें इसको काज कर लेंगे इसको, और फिर इसमें नारा डाल दिया जाएगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू, बाय बाय।